आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र की आधारशिला यहां रखी गई है। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा। कंपनी यहां 400 करोड़ रुपए के निवेश से इकाई की स्थापना करेगी। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, जिससे 5000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं नमन करता हूँ कि बुंदेलखंड के गौरव उन वीर आल्हा उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं। मैं झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद का भी समर्पण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।